हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम लोग सिमिलैरिटी चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिमिलैरिटी चैप्टर में प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे पहले आज हम लोग थ्योरम्स करेंगे और देन उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। आज मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लेकर आपके लिए आई हूँ, विच इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी के लिए करेंगे। आप सबको पता है कि कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी दोनों दो चीज़ें होती है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो होते हैं वो फिगर्स होते हैं जिनके साइज और शेप दोनों सेम होते हैं। कॉन्ग्रेंट जो फिगर्स होते हैं उनके साइज और शेप दोनों सेम होते हैं, बट कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो होते हैं जिनके शेप तो सेम होते हैं बट साइज सेम नहीं होते। जैसे सपोज़ करिए हम एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं और एक ट्रायंगल ये ले रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगलों का साइज सेम नहीं है बट शेप सेम है, तो ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। जस्ट लाइक दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, दीज आर नॉट द कॉन्ग्रेंट फिगर्स बट दीज आर सिमिलर फिगर्स। अब ये सब तो हम लोग काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कस ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, सपोज डी इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू बी सी एंड इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स, दिस मीन्स इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दीज टू पॉइंट्स आर डी एंड ई, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन टू सेम रेशियो। तो यहाँ पर मुझे ये कहा जा रहा है गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी DE is parallel to BC. This is given. DE is parallel to BC. And what we have to prove? We have to prove this line cuts the other two sides at distinct point D and E. Then the other two sides are divided in the same ratio. This means AD upon DB equal to AE upon EC. We have to prove this. And here has some construction has been done. So what is the construction? You see in the figure EL perpendicular on AB or AD, anything, and DM perpendicular on AC, and join B to E and C to D. This is the construction. Okay, this is shown in the figure. So in basic proportionality theorem we have to given that DE parallel to BC, we have to prove that AD upon DB is equal to AE upon BC, where D is and E is the point, two points where parallel line cut the other two sides. Okay, here the construction, what is the construction? Draw perpendicular EL and DM, AB and AC, and also join C to D and B to E. Okay, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए AD और DB. AD और DB क्या है? AD और AE को पहले देखो. AD और AE दोनों ट्रायंगल के दो साइड्स हैं. कौन सा ट्रायंगल? तो ADE. अब आपको ये भी पता है या तो आप ए डी ई ट्रायंगल लो या ए ई डी ट्रायंगल लो, दोनों केसेस में उनका एरिया जो होगा वो सेम होगा. इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग इसका प्रूफ करेंगे. अब प्रूफ में सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, या हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई. अब मैं ए डी ले रही हूँ तो हाफ बेस इज ए डी, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज द ई एल. ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसी के इधर से हम एरिया लेंगे. ये हमारा जो ट्रायंगल है ये है हमारा डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई. दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू DB base and perpendicular is the same EL. No problem. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ओके। और ये हम दोनों इधर वाले को भी रखेंगे, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल अपॉन हाफ इंटू डी बी अपॉन ई एल, ई एल से ई एल कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और बच गया मेरे पास ए डी अपॉन डी बी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर अगेन हम ट्रायंगल का एरिया सेम लेंगे, बट इस बार हम परपेंडिकुलर डी एम को कंसीडर करेंगे, ओके। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार हम ले रहे हैं ए ई डी, और आपको पता है कि जो ए ई डी का एरिया होगा वही हमारा एरिया ट्रायंगल ऑफ ए डी ई भी होगा, क्योंकि जो स्पेस ऑक्यूपाइड है ए डी के लिए वो दोनों ओर से सेम है। तो इस बार हमारा हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू डी एम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए इंटू डी एम। फिर उसी तरह से सिमिलरली हम नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल इस बार हमारा आ जाएगा ई सी डी, ई सी डी एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस ई सी, और परपेंडिकुलर वही होगा जो ऊपर वाला था डी एम। अब इसे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, और डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर ए ई डी नहीं लिख कर ए डी ई लिख लेंगे, क्योंकि हमने देख रखा है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया जो हमारा है वो इक्वल है। एरिया ऑफ, ये फर्स्ट रख रही हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखो ई सी डी और डी बी दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे हैं, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, वाई, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर बिटवीन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इसे कर लो सेकेंड और इसे कर लो थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ से अगर हम ले लें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ए डी वाई डी बी इज इक्वल टू ए ई वाई ई सी, क्योंकि यहाँ भी हम यही ई सी डी की जगह पर हम चाहें तो डी बी रख लें या डी बी की जगह चाहें तो हम ई सी डी रख लें, तो दोनों केसेस में हमारे ट्रायंगल के एरिया जो हो गए वो सेम हो गए। कुछ यहाँ पे कोरोलरी है बच्चों जो कि हम यूज करते हैं, पहला है ए बी वाई डी बी इज इक्वल टू ए सी वाई ई सी, ठीक है। ए बी मतलब पूरा ट्रायंगल का एरिया अपॉन ये वाला पार्ट और पूरा अपॉन ये वाला पार्ट, बहुत इजी है, हम कुछ नहीं करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। तो ए बी वाई डी बी प्लस वन इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी प्लस वन, नाउ दिस इज ए बी प्लस डी बी, सॉरी ए डी, दिस इज ऑल्सो ए डी एंड दिस इज ऑल्सो ए डी अपॉन डी बी, वी हैव टू प्रूव ए बी एंड वी हैव टू टेकन ए डी, सो ए डी प्लस डी बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए, सॉरी वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन टू प्रूव एंड वी हैव टू प्रूव दिस, सो दिस इज ए ई प्लस ई सी बाई ई सी एंड यू इजली सी ए डी एंड डी बी इज इक्वल टू ए बी
बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी. सिमिलरली यू हैव ऑल्सो प्रूव्ड ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.